हेलो नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, वेलकम टू कौर सिस्टर्स चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आम का गुड़ वाला खट्टा मीठा अचार, जो मैंने अपनी मासी से सीखा है, और मसालेदार खट्टी मीठी आम की चटनी। पहले बनाते हैं आम का खट्टा मीठा गुड़ वाला अचार। 1 किलो आम को अच्छे से वॉश करके सुखा के छिल लें। ध्यान रहे पानी को अच्छे से सुखा लें। अब इसे काट लें। हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं, आप चाहे तो इसे लंबा लंबा भी काट सकते हैं। अचार बनाने के लिए 800 ग्राम गुड़, सौंफ, जीरा, मेथी दाना और कलौंजी लेंगे। आम को अब थोड़ी देर हवा में सूखने दें या इसे धूप में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लें और सभी मसाले को डाल के 1 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएं। अब आम के टुकड़ों को डाल दें और इसे अच्छे से हिलाते हुए सभी मसाले को कोट करें। दो मिनट इसे पकाएं। अब इसमें गुड़, नमक और लाल मिर्च डालें। लाल मिर्च हम थोड़ा कम डाल रहे हैं, हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। और अब हम इसे ढक के पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। गुड़ अब मेल्ट होना शुरू हो गया है और आम भी थोड़े से पक गए हैं। अब हम इसे पकाएंगे बिना ढके हुए, जब तक कि ये पानी थोड़ा सूख ना जाए और ये गाढ़ा ना हो जाए। 10 मिनट के बाद चेक करें, आम अच्छे से गल चुके हैं। बस हम इसे और 5 मिनट पकाएंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। अब ये गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें काला नमक, काली मिर्च, गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करें। और रेडी है गुड़ का खट्टा मीठा अचार। जब ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसे आप कांच के जार में स्टोर करके रख लें और पानी से बचा के रखें। अब हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी, जो मैंने अपने मॉम से सीखी है। इसके लिए भी हमने 1 किलो आम लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश करके छिल लें और ग्रेट कर लें। ध्यान रहे हमें इसे पानी से बचा के रखना है। कढ़ाई को गर्म कर लें और इसमें ग्रेटेड आम डालें, चीनी डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। धीमी आंच पे इसे पकाएं और बीच बीच में हिलाते रहें। 5 मिनट पकाने के बाद चीनी मेल्ट हो जाएगी। और 10 मिनट इसे पकाएं और हिलाते रहें। दस मिनट के बाद हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। 15 से 20 मिनट के बाद अब ये तैयार है। इसमें अब दालचीनी पाउडर, लाल मिर्च, काला नमक, इलायची पाउडर और सादा नमक डालें। मोटी इलायची को भी पीस के डालें। और रेडी है हमारी खट्टी मीठी मसालेदार चटनी। दोनों ही अचार और चटनी को आप कांच के जार में स्टोर करके रख लें फ्रिज में, और ये साल तक ख़राब नहीं होगी। आप जब चाहें इसे खाएं और बच्चों को खिलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कौर सिस्टर्स चैनल। बाय बाय।